गंगा में लगातार भराव से बलिया में हाहाकार मचा हुआ है। NH-31 से जुड़े दुबे छपरा रिंग बांध एक बार फिर टूट गया है। इससे लगभग 70,000 की आबादी जलमग्न हो गई है। बांध टूटने से पानी सड़क पर आ गया है। नगवा सामने घाट सहित कई निचले इलाकों में पानी घुस गया है, जिसके कारण लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे हैं। फसलें डूबने से किसानों की बहुत बर्बादी हुई है। संजय राय की खास रिपोर्ट, इंडिया क्राइम न्यूज। क्या है मौके की स्थिति? क्या बंधक कैसे टूटा सर? देखिए, आज करीब 2 बजे के आसपास हम लोग, मैं, SP बलिया, बाड़ी विभाग के सभी अधिकारी, हम लोग सब मौके पर ही थे। और इसी बीच, क्योंकि आप लोगों को जानकारी मिली होगी कि राजस्थान में और मध्य प्रदेश में जो भारी वर्षा हुई है, उसके फलस्वरूप जो यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें भारी मात्रा में पानी आया है, जो गंगा नदी में आ रहा है, अंततः बलिया में आ रहा है। तो एक साथ बहुत बड़ी मात्रा में पानी आने के कारण और नदी में पानी का वेग इतना ज़बरदस्त था कि हम लोगों की आंखों के सामने देखते देखते जो पत्थर का जहाँ काम है वहाँ भी बंधा रिंग बंधा, डूबे छपरा रिंग, टेगरही रिंग बंधा लगभग 50 मीटर की लंबाई में देखते देखते कट गया पूरा। और उसके फलस्वरूप पानी धीरे धीरे, जो गांव उस रिंग बंधे से प्रोटेक्टेड थे, 4 ग्राम सभाएँ हैं, उसमें धीरे धीरे पानी प्रवेश कर रहा है। अभी जो वर्तमान में स्थिति वो ये है कि खेतों के रास्ते धीरे धीरे आबादी क्षेत्र में पानी जा रहा है, परंतु चूंकि अधिकांश मकान आबादी क्षेत्र में जो नॉर्मल स्तर है ज़मीन का उससे ऊपर बने हैं, इसलिए घरों में पानी घुसने की अभी कोई सूचना नहीं है। अभी मैं फिर वहीं जा रहा हूँ मौके पर, कोई सूचना होगी तो तत्काल आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। घरों में पानी नहीं घुसा है, परंतु घर चारों ओर से बाढ़ के पानी से घिर गए। और अभी जैसे जैसे दिन बीतेगा, चूँकि गंगा नदी में लगातार जलस्तर 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है, तो ये स्थिति अभी और अभी सुधरने की स्थिति भी नहीं आएगी। तो इसके लिए हम लोगों ने वहाँ पर पूरे व्यवस्था कर दी है और गांव में नाव की पूरी व्यवस्था है, 4 नावें लगाई गई हैं। और आज रात में भोजन भी बन रहा है। गांव के लोग जो अपने घर में भोजन नहीं बना पाएंगे, उनको शासन प्रशासन की ओर से भोजन की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ कल सुबह तक खाद्य सामग्री के पैकेट भी गाँव में पहुँच जाएंगे। एक पैकेट में 5 लोगों के परिवार के लिए 7 दिन का भोजन सामग्री रहता है, और ज़रूरत का जो छोटा मोटा आइटम है, नमक वगैरह, मोमबत्ती, माचिस, ये सब चीज़ उसमें रहेगी। और मेडिकल के लिए वहाँ मेडिकल मोबाइल यूनिट तैनात कर दी गई है, जो जल जनित रोगों से बचने की दवा या गांव में कोई बीमार है उसकी सेवा की गई। तो स्थिति पूरी तरह हम लोगों के नियंत्रण में है। एक प्राकृतिक आपदा है, इसका हम लोग सब मिलकर के सामना आज हम लोगों ने एहतियात के तौर पर मुनादी तो गांव में कराई, हम लोग स्वयं थे वहाँ, परंतु लोग वहाँ से घरों से अपने निकलने में बहुत दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। मुझे लगता है क्योंकि पानी इतना धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो कुछ लोगों ने, मैंने जैसे देखा तो अपना घर का समय छत पर रख लिया है, तो वो देख रहे हैं मौके की स्थिति। हमारे पास पर्याप्त संख्या में नाव है, जो लोग अपने घर को छोड़ना चाहेंगे उन लोगों को नाव में बैठा करके हम लोगों ने बाढ़ आश्रय स्थल बनाया है बहुत नज़दीक ही। वहाँ कृष्णा अकेडमी एक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, उसके प्रांगण में बनाया गया, वहाँ उन लोगों को शिफ्ट कराया गया। NDRF की टीम इस समय बेरिया में पहुँच चुकी है,
की एक टीम है, दो नावों के साथ पहुंच चुकी है। इसके अलावा भी अगर स्थिति और अधिक खराब होती है तो हम लोग निरंतर संपर्क में एनडीआरएफ के अधिकारियों के, जैसे हम उनको कहते हैं 4 से 5 घंटे में उनकी टीम, अतिरिक्त टीम है, वो जनपद बलिया में। लगभग कितने की आबादी प्रभावित होगी सर? देखिए इस समय जो अनुमान है लगभग 15-20 हज़ार लोग प्रभावित होंगे, इस सेंस में कि उनके घरों के चारों ओर पानी से वो गिर जाएगा। घरों में पानी घुसने की स्थिति अभी नहीं है, परंतु हम लोग पूरी स्थिति पर निगाह है, जैसी जहां आवश्यकता होगी उसके अनुसार उपाय किया जाएगा।